ये कैसा जाल है? तू यहाँ कैसे आ गया? मैं इसमें से निकल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरा पैर काटा, ये क्या है? राधा, ये गाय का गोबर है। तुमने जानबूझकर अपने गाय को यहाँ पर हमारे मार्ग में खड़ा किया ना? तुम्हारी गाय के गोबर से मेरा पाँव गंदा हो गया है। राधा, तुम अपने नेत्रों का दोष मेरी प्रिय गायों पर मत डालो। मेरी गैया मुझे बहुत ही प्रिय है। यदि तुम देखकर चलती तो तुम्हारे पाँव में गोबर नहीं लगता। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी काना। पहले मैं अपनी सखियों से पूर यमुना तट पर तो पहुँच जाऊँ, अन्यथा मैं सखियों से स्पर्धा हार जाऊंगी। कैसी स्पर्धा राधा? हम सब सखियों ने अलग अलग मार्ग से यमुना तट पर पहुँचने की स्पर्धा रखी है। जो हम सखियों में से पहले पहुँचेगी वो हम अन्य सखियों में से जो चाहे वो करवा पाएगी। तुम्हारे कारण मुझे पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है। अब मेरे मार्ग से हटो। चलो मित्रों, हम सभी मिलकर मार्ग साफ कर देते हैं, जिससे अन्य आने जाने वाले लोगों को कठिनाई ना हो। क्या? हम खेलने आए हैं काना, मार्ग साफ करने नहीं। मैं तो अपने घर की गौशाला भी साफ नहीं करता। यदि हम मार्ग साफ करेंगे तो हम खेलेंगे कब काना? यह हमारी क्रीड़ा करने का समय है ना? तो ठीक है, हम इस कार्य को क्रीड़ा समझकर ही समाप्त कर देंगे। यहाँ इन लड़कियों के सिवा और कोई आता जाता नहीं है काना। जैसा है वैसे ही रहने दो काना। चलाओ, यदि तुम्हारी सखियां जीत जाए तो फिर मत कहना। गोबर में सने पैरों से चलना तुम्हें सरल लगता है कान्हा? कभी तुम्हारे पैरों में गोबर लगेगा ना तो मैं पूछूंगी। रुको, गोबर ही तो लगा है तुम्हारे पाँव में, और वैसे भी गौ माता का गोबर बड़ा ही पवित्र होता है। रहने दो कान्हा, तुम तो सदैव मुझे परेशान करते रहते हो। तुम्हें क्या पता कि मुझे कितनी दुविधा हो रही है? ऐसी बात नहीं है राधा, मैं तुम्हारी दुविधा को समाप्त कर सकता हूँ। आओ तुम यहाँ बैठो। कान्हा, क्या तुम सच में मेरी सहायता कर रहे हो? तुम्हें कोई नई चपलता सूझी है? हाँ, आनंद तो तुमसे चपलता करने में बहुत आता है, किंतु तुम्हारा ऐसे उतरा हुआ मुख देखकर मुझे तुम पर तरस आ जाता है। अब शांत बैठो। हाँ, थोड़ी जलन होगी किंतु शांत रहो। राधा, ये सहायता तुम पर उधार रहेगी। हाँ कान्हा, मैं तुम्हारा उधर बहुत ही शीघ्र ही उतार दूंगी। मैं जीत गई। अब मैं जल्दी से यमुना का जल भर लेती हूँ।
मेरी सखियां तो अभी तक कहीं दिख ही नहीं रही हैं। कहाँ चली गई वो सब? देखो राधा, मकड़ी का जाला, तनिक सतर्क रहना। ये सब क्या है कान्हा? ये मकड़ियां इतनी तीव्र गति से जाले बना रही है, ये कितना विचित्र है। बचाओ हमें, कोई सहायता करो हमारी। कोई तो बचाओ हमें, यहाँ से बचाओ। साथियों, आप सब लोग धैर्य रखो, मैं आप सबको मुक्त करता हूँ। नहीं नंदराज, नहीं, इस जाल को स्पर्श करने की भूल मत करना। रिजवान जी की रक्षा करने हेतु हमने इस जाल को स्पर्श किया और इस जाल में फंस गए। बचाओ हमें, इस जाल से मुक्त करो। कोई तो बचाओ। क्या हो रहा है यहाँ? देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वृंदावन के ऊपर फिर से कोई भारी संकट आ गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये तो ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले मैं ये पता लगाता हूँ कि संकट आया कहाँ से, और उसके पश्चात इसका निवारण करके पूरे के पूरे वृंदावन में लोकप्रिय हो जाऊंगा मैं, और उसके पश्चात मैं ग्राम प्रमुख भी बन जाऊंगा। किंतु इस समस्या का समाधान मैं करूंगा कैसे? किंतु मैं आप लोगों को विपत्ति में फंसे और नहीं देख सकता। मुझे कोई ना कोई मार्ग निकालना ही होगा। यशोदा, यहां से निकलना होगा। यशोदा, चलिए निकलिए। काना, पता नहीं मेरी सारी सखियां कहाँ चली गई हैं। उनमें से एक भी सखी दिखाई नहीं दे रही। राधा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी सखियों को ढूंढ ही लेंगे। मित्रों, तुम सभी उचित समय पर आ गए हो। राधा की सखियां ना जाने कहाँ गुम हो गई हैं। चलो हम सभी मिलकर उसे ढूंढते हैं। काना, सुनो काना। काना, क्या हुआ काका, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? काना, किसी मकड़ी ने वृंदावन को चारों ओर से जालों से घेर लिया है। ना कोई बाहर आ सकता है, ना कोई अंदर जा सकता है। सब बहुत दुखी हैं। कुछ करो काना। काना, अब क्या करें? क्या अब हम राधा की सखियों को ढूंढे या फिर वृंदावन वासियों की सहायता करें? दाव, हमें किसी भी प्रकार वृंदावन पहुंचना चाहिए, और हो ना हो राधा की सखियों के गुम होने का कारण इस समस्या से ही जुड़ा है। यशोदा, यह मकड़ी बहुत ही विशालकाय और भयावह है। ये कोई वृंदावन में साधारण घटना नहीं है। यशोदा, अरे कान्हा बलराम वन में गए हैं। अरे हमें किसी भी प्रकार उन्हें घर में वापस लाना होगा, कहीं उन मकड़ियों ने उन पर प्रहार कर दिया तो। नहीं यशोदा, कान्हा बलराम को लेने मैं जाता हूँ, तुम यहीं रुको। ये क्या, द्वार पे मकड़ी का जाला? मुझे खिड़की से बाहर जाना होगा। यहाँ भी मकड़ी का जाला, ये सब क्या है? यशोदा, घर के हर कोने में मकड़ी ने जाला बना दिया है, हम लोग फंस चुके हैं।
ये सब क्यों हो रहा है आर्य? कान्हा बलराम घर के बाहर है, हम उन्हें घर में कैसे लाएंगे? कान्हा, यहाँ तो वृंदावन के प्रवेश द्वार पर मकड़ी के जाले हैं, हम भीतर प्रवेश कैसे करेंगे? कान्हा, मैं अभी ये जाला हटा कर आता हूँ। रुको बलराम, जो भी व्यक्ति इस जाली को स्पर्श करता है वो स्वयं जाल में फंस जाता है। घबराओ मत छगन, घबराओ मत, उठ जाओ। तुम्हें स्मरण है ये छड़ी हमें उस तांत्रिक ने दी थी, और पता है इस छड़ी से हम कुछ भी तोड़ सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। फिर तो इससे मकड़ी का जाला अवश्य टूट जाएगा ना सेठ जी? उचित कहा, अवश्य ही ये मकड़ी का जाला भी तोड़ सकता है। मैं कार्य करता हूँ कि मैं उस मकड़ी के जाले को तोड़कर सारे के सारे वृंदावन वासियों को बचा लूंगा, और उसके पश्चात मैं सभी गांव वालों का रक्षक बन जाऊंगा। फिर गांव वाले मुझसे प्रसन्न होकर गांव का ग्राम प्रमुख बना देंगे मुझे। नंद को कोई नहीं पूछेगा, मैं बन जाऊंगा ग्राम प्रमुख। अब मैं शीघ्रता से ये शुभ कार्य करके आता हूँ, तुम गायों को चारा देना, ठीक है? ये क्या, ये मकड़ी का जाला तो स्वयं चलकर मेरे घर पर ही आ गया। किंतु चिंता का कोई विषय नहीं, मेरे पास ये छड़ी जो है, मैं अभी इस जाले को तोड़ देता हूं। अरे क्या हो गया, अरे मेरा पूरा बदन जल रहा है। अच्छा ना, हर और मकड़ी के जाले ही जाले, इस दवन की ओर जाने वाला प्रत्येक मार्ग जालों से अवरुद्ध है। अब हम क्या करें? अरे ये क्या होगा, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। ये जाल है कि आग की लपटे, ये मेरी जादुई छड़ी भी कुछ काम नहीं आई। अरे बचाओ मुझे। ये क्या सेठ जी, आप तो स्वयं ही फंस गए, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं मैं? अरे मूर्ख, क्या करेगा तू, मुझे छुड़ा, कहीं कहां जा रहा है? मत जा कहीं, मुझे छुड़ा, मैं जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा मैं। अरे सेठ जी, जब आपकी जादू छड़ी कुछ नहीं कर पाई तो मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? परंतु एक कार्य अवश्य कर सकता हूँ, महाराज कंस से सहायता मांग सकता हूँ मैं। महाराज कंस के पास मत जाना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मूर्ख हो गया हूँ क्या? महाराज कंस के पास जा रहा हूँ। अरे महाराज कंस क्या सोचेंगे कि मैंने स्वयं ये विपदा मोल ले ली। नहीं वहां मचा, वहां मचा। हाँ तू एक कार्य कर, उस दुष्ट कृष्णा के पास जा, वो अवश्य हमारी सहायता करेगा। उसके पास जा, जा वो दुष्ट है किंतु सहायता तो करेगा, वो मुझे पता है। अब मैं कृष्ण के समक्ष कैसे जाऊं, कहीं मैं भी फंस गया तो? अरे मूर्ख, तो तू मर जा, मर जा तू, मुझे कायरों की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ नहीं आ रहा, हम किस मार्ग से वृंदावन के अंदर प्रवेश करें? ललिता, विशाखा, तुम सब इतने समय से कहाँ थी, और तुम सब कहाँ से दौड़ती हुई आ रही हो? वन में चारों ओर मकड़ी के जाले लगे हैं, हम बस्ती बचाए जैसे तैसे यहाँ भाग के आए हैं। वन में और वृंदावन में दोनों जगह पर मकड़ियों के जाले लगे हैं। अब हम घर कैसे जाएंगे कान्हा? साथियों, हमें चारों ओर मार्ग ढूंढना होगा, और हाँ स्मरण रहे कि हमें किसी भी मकड़ी के जाले को स्पर्श नहीं करना है। मैं और दाऊ मार्ग ढूंढते हैं, चलिए।
कान्हा अकेले अकेले क्या योजना बना रहे हो, कुछ बताओ तो सही। मैं वृंदावन जाकर तो ये सब कुछ पता लगाना ही होगा कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो चलिए दाऊ चलते हैं। किंतु यहाँ तो कोई मार्ग ही नहीं है, फिर हम कैसे जाएंगे? मकड़ियों ने पूरे वृंदावन और वृंदावन वासियों को अपनी जाल में उलझा दिया है। दाऊ, अब हमें इन सभी को इन दुर्दशा से बचाना होगा। अब हमें और हमारे बालकों को श्रीहरि ही बचा सकते हैं। हमें श्रीहरि का स्मरण करना होगा यशोदा। जय श्रीहरि, जय श्रीहरि, जय श्रीहरि, जय श्रीहरि, जय श्रीहरि। कान्हा, शीघ्र कुछ उपाय करो, अन्यथा इस दशा में वृंदावन वासी अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे। हाँ जाओ, स्थिति अत्यंत ही व्यक्तित है। कौन है जिसने मेरे वृंदावन को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया? तुम्हें मेरे समक्ष आना होगा। कौन है वो? हम आज वृंदावन को समाप्त करके हमारी नई नगरी बनाएंगे। आज अमावस की रात्रि है और इस कार्य के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। आज हम वृंदावन को उसके निवासियों सहित यहीं विसर्जित कर देंगे और उसके पूर्व हम वृंदावन पर इतना अत्याचार करेंगे कि उनके रक्षक कृष्ण को यहाँ आना ही पड़ेगा। नंद जी, एक विचित्र काली माँ, हमारे गांव घर खेत खलियानों में छा रही, ये किस कारण हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये काली माँ कहीं आने वाली विपत्ति का संकेत तो नहीं है? अरे, मैं भी अभी कान्हा के लिए दूध बना रही थी कि तभी वो दूध काला पड़ गया। अरे, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कान्हा कहाँ है यार? एक अजीब से संकट की आशंका मुझे सता रही है। कृष्णा, अब तेरा और तेरे वृंदावन वासियों का अंतिम समय शुरू।